गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की पुस्तक अतीत से वर्तमान का अध्याय 2 कैसे, कब और कहां पढ़ेंगे। यूं तो यह मूलभूत प्रश्न है कि आखिर हमारे पूर्वज कहां से आए थे, कहां रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। मानव धरती पर हजारों सालों से रह रहा है और इसी की कहानी हम इतिहास में पढ़ते हैं। मैंने पिछली कक्षा हमारा अतीत में पढ़ाया था आप लोगों को कि अतीत से लेकर वर्तमान तक की घटनाओं का तिथि क्रमानुसार अध्ययन एवं विश्लेषण ही हम इतिहास में पढ़ते हैं। इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल है। प्राचीन काल आरंभिक समय से लेकर 8वीं शताब्दी तक का समय है। 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक हम लोग मध्यकाल में पढ़ते हैं और 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक का समय आधुनिक काल में पढ़ा जाता है। प्राचीन काल के आरंभिक समय को पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं। पूर्व ऐतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और मैंने पिछली कक्षा में आपको जानकारी दी थी कि इसी समय में आग का आविष्कार हुआ, पहिए का उपयोग हम लोगों ने शुरू किया था, खेती पशुपालन का उपयोग हुआ था, गांव और धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ। इसी क्रमानुसार इस अध्याय में हमें आगे जानकारी दी गई है कि कैसे शहरों का विकास होते होते धीरे धीरे हमारे भारत का इतिहास बन गया। इस पूरे इतिहास के छोटे से सारांश को हम इस अध्याय में देखते हैं। करीब 6वीं शताब्दी में हमारे यहाँ सुसंगठित राज्य का निर्माण हुआ। मौर्य काल में सबसे पहला साम्राज्य मगध साम्राज्य का बना और 7वीं शताब्दी तक आते आते इसका विघटन होने लगा। 8वीं शताब्दी के मध्य में आते आते लगभग 750 ईस्वी में इसका पतन होने लगा और लेकिन नगरों व व्यापारों का विकास पूर्ववत ही रहा। 11वीं शताब्दी तक आते आते नए सेना साधन का उत्पादन तकनीक का विकास हुआ और इसी समय हमारे यहाँ बाहर से नए लोगों का आक्रमण हुआ और इस तरह इस्लाम 11वीं शताब्दी में हमारे भारत आया और एक विशाल साम्राज्य फिर से भारत में उद्भव हुआ। यह विशाल साम्राज्य और हिंदू इस्लामी संस्कृति का समन्वय हमारे यहाँ सामाजिक सामंजस्य स्थापित किया और इस काल में स्थापत्य तो देखते ही बनती है, जैसे कि हमारे ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कुतुब मीनार। अब धीरे धीरे हम 18वीं शताब्दी की ओर चलते हैं। 18वीं शताब्दी तक आते आते मुगल साम्राज्य का भी पतन होना आरंभ हो गया और इस तरह हमारे मध्यकाल का अंत हो जाता है। मध्यकाल के अंत और करीब 16वीं शती के आते आते पश्चिमी देशों के नए विचार भारत में आने लगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, आवागमन में प्रगति होने लगी। विदेशियों द्वारा हमारे देश में आर्थिक संसाधन यथा जैसे कि वन, खनिज, धन, अनाज से ज़्यादा लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य बन गया और इसे ही हम उपनिवेशवाद कहते हैं। और 19वीं सदी तक आते आते हमारे भारत में राष्ट्रीयता की भावना पनपने लगी और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होकर अंततः 1947 में हमें आज़ादी मिल गई और इस तरह से हम एक स्वतंत्र भारत का निर्माण किया। तो बच्चों, आगे अध्याय का अध्ययन हम भाग 2 में करेंगे, तो आप लोग अपने गृह कार्य में
मानव इतिहास की छोटी सी कहानी अपने शब्दों में जरूर लिखूंगा। धन्यवाद।